बच्चों आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 विज्ञान यानी साइंस का चैप्टर 7 मौसम जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका यहाँ पर, उन घटकों के नाम बताइए जो किसी स्थान के मौसम को निर्धारित करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पहला प्रश्न है और उत्तर आप लिखेंगे बच्चों, उत्तर लिखेंगे तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु की गति, वायु दबाव आदि मौसम को निर्धारित करने वाले तत्व हैं, क्योंकि इन तत्वों का उपयोग करके किसी स्थान का मौसम निर्धारित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं, पहला प्रश्न ये और इसका उत्तर। दूसरा प्रश्न देखते हैं बच्चों, दूसरे प्रश्न में पूछा है, निम्न में किस समय ताप के अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना होती है। उत्तर में आप लिखेंगे, और दूसरा प्रश्न है बच्चों, दिन में किस समय ताप के अधिकतम और न्यूनतम होने की संभावना होती है। उत्तर लिखेंगे आप, दिन का अधिकतम तापमान आमतौर पर दोपहर में होता है, जबकि न्यूनतम तापमान आमतौर पर सुबह के समय होता है। तो आई बात समझ में। इस प्रकार से आप अपने इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपके लिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीन क्वेश्चन दिए हुए हैं, तीनों में आपने यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और क्या यहाँ पर लिखना है हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है आपका, दीर्घ अवधि के मौसम का औसत कहलाता है। तो क्या कहलाता है बच्चों, तो यहाँ पर आपको लिखना है, अभी हम बताएंगे आपको। और सेकेंड है, किसी स्थान पर बहुत कम वर्षा होती है, उस स्थान का तापमान वर्ष भर उच्च रहता है, उस स्थान की जलवायु और होगी। तो यहाँ पर दो रिक्त स्थान है, दोनों में आपने लिखना है। थर्ड है, चरम जलवायवी परिस्थितियों वाले पृथ्वी के दो क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं यहाँ पर आपको वर्णना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे इस प्रकार से, पहले में लिखेंगे आप जलवायु, सेकेंड वाले में लिखेंगे आप, दो रिक्त स्थान भरने ना, तो वहाँ पर लिखेंगे एक में गर्म एक में शुष्क, और थर्ड में लिखेंगे दो रिक्त स्थान है वहाँ पर भी, उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय। तो आई बात समझ में। चौथा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित क्षेत्रों की जलवायु का प्रकार बताइए, और यहाँ की बतानी है आपने, जम्मू कश्मीर, केरल, राजस्थान और साथ ही साथ उत्तर पूर्व भारत। तो यहाँ की जलवायु आपने बतानी है कैसी होती है। तो उत्तर में आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, जम्मू कश्मीर वर्ष में कुछ समय के लिए मध्यम गर्म और आर्द्र जलवायु, सर्दियों में अत्यधिक ठंड होती है। कहाँ पर, जम्मू और कश्मीर में। केरल के बारे में लिखेंगे, यह तटीय क्षेत्र होने के कारण बहुत गर्म और आर्द्र है, ठीक है। और इसके बाद राजस्थान के बारे में, यह गर्म और शुष्क है क्योंकि वर्ष के अधिकांश समय में तापमान अधिक होता है, लेकिन सर्दियों में जो केवल कुछ महीनों तक रहता है तापमान बहुत कम होता है। इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है। कहाँ पर, राजस्थान में। और यहाँ पर घ में लिखेंगे आप, उत्तर पूर्व भारत के बारे में, यहाँ की जलवायु आर्द्र है क्योंकि पूर्वोत्तर भारत में साल में अधिकांश समय बारिश होती है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि इनका जो है जलवायु कैसी कैसी होती है, इन सभी जगहों की, जम्मू एवं कश्मीर की, केरल की, राजस्थान और उत्तर भारत की। तो यहाँ से आप देखकर अच्छे से लिखें बच्चों और याद भी करें। पाँचवा प्रश्न है आपका, मौसम और जलवायु में से किसमें तेजी से परिवर्तन होता है। तो किसमें होता है बच्चों, उत्तर लिखेंगे, मौसम में तेजी से परिवर्तन होता है। किसमें होता है, मौसम में। और इसके बाद छठा प्रश्न है बच्चों, जंतुओं की कुछ विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है। क है, आहार मुख्यतः फल है, और ख में है, सफ़ेद बाल या फर, और ग है, प्रवास की आवश्यकता, और घ है, तीव्र स्वर ध्वनि तेज आवाज, और इसके बाद है च में, पैरों के चिपचिपे तलवे, छ है, त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत, ज है, चौड़े और बड़े नखर, और ज है, चटक रंग, और ट मजबूत पूँछ, ठ है, लंबी और बड़ी चोंच। तो यहाँ पर आपने ये सब पढ़े। इसके बाद आपने यहाँ पर देखना है, उपरोक्त प्रत्येक विशेषता के लिए यह बताइए कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन अथवा ध्रुवीय क्षेत्र में से किसके लिए अनुकूलित है। क्या आप समझते हैं कि इनमें से कुछ विशेषताएं दोनों क्षेत्रों के लिए अनुकूलित हो सकती हैं, यह है आपका प्रश्न। उत्तर में आप इस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप हेडिंग डाल के, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, और यहाँ पर लिखेंगे क, घ, च और झ। आहार मुख्यतः फल है, तीव्र स्वर ध्वनि यानी तेज आवाज, और पैरों के चिपचिपे तलवे, और चटक रंग। इसके साथ ही लिखेंगे आप ट मजबूत पूंछ और लंबी बड़ी चोंच, ठीक है। तो ये लिखेंगे आप किसमें, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में। और इसके बाद लिखेंगे ध्रुवीय क्षेत्र के लिए, लिखेंगे हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर ध्रुवीय क्षेत्र, यहाँ पर लिखेंगे ख, ग, छ और ज। यहाँ पर लिखेंगे प्रवास की आवश्यकता, सफ़ेद बाल, फर, और त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत, चौड़े और बड़े नखर, ठीक है।
और आगे लिखेंगे, मुझे लगता है कि विभिन्न विशेषताओं को विभिन्न क्षेत्रों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर इसको लिखें, ढंग से समझें बच्चों, अच्छी प्रकार से इस प्रश्न के उत्तरों को समझें। पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ें, क्या लिखा है यहाँ पर, जंतुओं की कुछ विशेषताओं की सूची दी गई है और ये आपने सूची देखी। इसके बाद यहाँ पर आपको पूछा गया है कि कौन से क्षेत्र के लिए कौन अनुकूलित है, तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान देंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, और उसके बाद लिखेंगे ध्रुवीय क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद सातवां प्रश्न आता है आपका, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जंतुओं की विशाल जनसंख्या को आवास प्रदान करते हैं, यह समझाइए कि ऐसा क्यों है। उत्तर में लिखेंगे, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में दिन और रात पूरे वर्ष में लगभग बराबर होते हैं। इन क्षेत्रों का तापमान वर्ष के दौरान 15 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस की रहता है। इन क्षेत्रों में भरपूर वर्षा होती है। लगातार गर्मी और बारिश के कारण यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों का पोषण करता है। वर्षा वनों की जलवायु एक विशाल संख्या और विभिन्न प्रकार के जानवरों के लिए अत्यधिक अनुकूल है। यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जंतुओं की विशाल जनसंख्या का आवास प्रदान करते हैं, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जंतुओं की विशाल आबादी रहती है, ठीक है। तो आप समझ गए ना क्यों यहाँ ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ जो है बारिश भी लगातार काफ़ी संख्या में होती है और तापमान भी यहाँ का अच्छा रहता है, इसलिए यहाँ अधिकतर जो है जंतुओं का आवास स्थान बन चुका है। कहाँ पर, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्रों में। आगे आठवां प्रश्न है बच्चों, उदाहरण से समझाइए कि किसी विशेष जल वायवी परिस्थिति में कुछ विशिष्ट जंतु ही जीवन यापन करते क्यों पाए जाते हैं। उत्तर में आप क्या लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे, जानवर अपने आप को उन परिस्थितियों के अनुकूल बना लेते हैं जिनमें वे रहते हैं। ये अनुकूलन विकास की एक लंबी प्रक्रिया के कारण होता है। यदि उनके निवास स्थान की तुलना में वे विभिन्न जलवायु परिस्थितियों वाले क्षेत्र में चले जाते हैं तो उनके लिए जीवित रहना मुश्किल होगा। निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें, एक ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत होती है जो गर्मी रोधक का कार्य करती है। अत्यधिक ठंडी जलवायु से भालू की रक्षा करता है और ध्रुवीय भालू जीवित नहीं रह सकता अगर उसे गर्म और शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में ले जाया जाए, ठीक है। अगर उसे गर्म और शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों में ले जाया जाए, किसको, भालू को, तो वह फिर जीवित नहीं रह सकता। अगला यहाँ पर ध्यान दें, बंदर उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने के लिए अनुकूलित है। शाखाओं को पकड़ने के लिए लंबी पूंछ होती है, या ध्रुवीय क्षेत्रों में जीवित नहीं रह सकता। इसके बाद बच्चों नवा प्रश्न आपके लिए, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहने वाला हाथी किस प्रकार अनुकूलित है। उत्तर में आप लिख सकते हैं, इसने कई उल्लेखनीय तरीकों से स्वयं को वर्षा वनों की स्थितियों के अनुकूल बनाया है। यह अपनी सूंड का उपयोग नाक के रूप में करता है जिसके कारण इसमें सूंघने की तीव्र क्षमता होती है। भोजन लेने के लिए भी सूंड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसके संशोधित दो बड़े बड़े दांत हैं जो उन पेड़ों की छालों को फाड़ सकते हैं जिन्हें हाथी खाना पसंद करता है, इसलिए हाथी भोजन की प्रतियोगिता में खरा उतरता है। हाथी के बड़े कान इसे बहुत धीरे आवाज़ को भी सुनने में मदद करते हैं। कान हाथी को वर्षा वनों के गर्म और नम जलवायु में ठंडा रखने में भी मदद करते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर, ये नवा प्रश्न आपका और इसका उत्तर। आगे हैं आपके लिए, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प चुनिए। दसवां प्रश्न है बच्चों, कोई मांसाहारी जंतु जिनके शरीर पर धारियां होती हैं अपने शिकार को पकड़ते समय बहुत तेजी से भागता है, इसके पाए जाने की संभावनाएं हैं किसी, तो कहां पर हैं, ध्यान दें आप, ध्रुवीय क्षेत्र में, मरुस्थल में, महासागर में, या उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। उत्तर में क्या लिखेंगे आप, उत्तर आप लिखेंगे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, तो ये आपका सही ऑप्शन होगा। ग्यारहवां प्रश्न है, ध्रुवीय भालू को अत्यधिक ठंडी जलवायु में रहने के लिए कौन कौन सी विशेषताएं अनुकूलित करती हैं। तो यहाँ पर जो है कौन कौन सी विशेषताएं आप देखेंगे, इनमें से कह है श्वेत बाल, फर, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता, या फिर खै पतली त्वचा, बड़े नेत्र, श्वेत फर, बाल, या फिर अगला गै वाला लंबी पूंछ, मजबूत नखर, सफ़ेद बड़े पंजे, या फिर गह श्वेत सफ़ेद शरीर, तैरने के लिए पंजे, श्वसन के लिए क्लोम यानी गिल। उत्तर आप इस प्रकार लिखें, कह वाला आपके लिए सही होगा, श्वेत बाल, फर, त्वचा के नीचे वसा, तीव्र सूंघने की क्षमता, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। बारहवां प्रश्न है बच्चों, निम्न में से कौन सा विकल्प उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो उत्तर लिखेंगे, तो यहाँ पर आपके लिए चार ऑप्शन दे रखे हैं, गर्म और आर्द्र, मध्यम तापमान अत्यधिक वर्षा, सर्द और आर्द्र, गर्म और शुष्क। तो उत्तर होगा आपका गर्म और
आद्र, क्या होगा उत्तर? गर्म और आद्र। तो ये आपका सही ऑप्शन होगा बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 7 विज्ञान यानी साइंस के सभी पाठों के प्रश्न उत्तर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।